أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 और आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर, किसान और बादशाह. इससे पहले हम 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, हम्द, नात और आमना और नीली मछली. आज हमारा चौथा सबक शुरू होने जा रहा है. क्योंकि आप लोगों का सबक सादी शिराजी की हिकायत से लिया गया है, लिहाजा हमें पहले थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए शेख सादी पर, कि शेख सादी कौन थे. इनका असल नाम था अबू मोहम्मद मसलहुद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी, ठीक है, और इनका कलमी नाम है सादी शिराजी. इनकी पैदाइश है 1210 ईस्वी और वफात कब की है? 1291, 1291. अच्छा, सादी शिराजी फारसी जबान के बहुत ही मशहूर शायर भी हैं और मुसन्निफ भी हैं. ये अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं. इनकी जो मशहूर किताबें हैं वो हैं गुलिस्तान और बोस्तान. ठीक है, आपने देखा कि इनके नाम के साथ लगा हुआ है शिराजी. दरअसल शिराज ईरान का एक शहर है, बहुत ही मशहूर शहर है. तो सादी शिराजी वहां से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से उनके नाम के साथ शिराजी लगता है. ये जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये इनके मजार की है जो कि ईरान के शहर शिराज में वाकई है, सादी शिराजी का मजार. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं. आपके सबक में एक हिकायत पर बात की गई है, तो पहले देख लेते हैं कि हिकायत किसे कहते हैं. हिकायत से मुराद कोई ऐसा मुख्तसर वाक्या जिसमें किसी अखलाकी सबक को नुमाया किया गया हो. यानी कि हिकायत एक ऐसा छोटा सा वाक्या होता है, किस्सा होता है, जिसके अंदर हम किसी भी इखलाकी सबक को बयान करते हैं, जिससे कोई आपको मोरल लेसन मिलता है उसको पढ़ने के बाद. नीचे मैंने शेख सादी की कुछ हिकायत ऐड की हैं, जरा हम देख लेते हैं. सादी शिराजी फरमाते हैं, अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है. क्या मतलब है इसका? कि अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं करते और सिर्फ हम दुआ करते रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो ये एक बेवकूफी होती है. एक जाहिर सी बात है कि अगर आप पेपर के लिए तैयारी करके नहीं जाते हैं और सिर्फ दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह ताला मेरा पेपर अच्छा होता है हो जाए, तो जब तक आपने तैयारी नहीं की होगी तो आप पेपर को हल नहीं कर सकेंगे. ठीक है, और अगर इसी तरीके से सिर्फ आप मेहनत करके चले जाएं, आपने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत अच्छा पढ़ लिया है, सब कुछ याद कर लिया है, लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरा, मैंने जो कुछ याद किया है वो मुझे याद रहे और अच्छे तरीके से मैं लिख सकूं, तो क्या होगा कि हो सकता है कि आप जब पेपर देने के लिए बैठे तो आप सब कुछ याद किया हुआ भूल जाए. तो ये एक हमें सबक मिलता है इनकी हिकायत से, कि जब भी इंसान कोई काम करे तो अब सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करे, बल्कि अल्लाह ताला से उसको उस काम के होने की दुआ भी मांगे. और अगर आप सिर्फ दुआ मांग लेते हैं और अपनी मेहनत नहीं करते तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है. ठीक है, दूसरी हिकायत देखिए. अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे. क्या मतलब है? कि इंसान का इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ वक्त गुजारता है, आपके साथ बैठता है, तो वो आपसे मुतासिर जरूर हो. ऐसा ना हो कि वो आप, अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, बाद में लोग आपकी कंपनी को अच्छा महसूस नहीं करेंगे या आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो हर कोई आपके साथ बैठना भी पसंद करेगा और आपसे दोस्ती करना भी चाहेगा.
तीसरी हिकायत है इसकी, इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर इसको कहा जाए कि किसी को ना कहना। ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि अगर आपने किसी को कोई बात बतानी है और साथ में ये भी कहना है कि मैं तो तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ, लेकिन तुम आगे किसी को नहीं बताना। अब ये जाहिर सी बात है कि जब आपके पेट में वो बात नहीं रुकी तो किसी दूसरे बंदे के पेट में कैसे रुकेगी। लिहाजा इससे बेहतर है कि आप किसी को ये कहकर बात बताएं कि तुम ये बात किसी को मत बताना, उस बात पर खामोशी अख्तियार की जाए और उस बात को अपने तक ही रखा जाए। अब देखिए, ये छोटी छोटी सी हिकायतें हैं जिनके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सबक छुपा हुआ है। तो ऐसी ही चीज को, ऐसे ही छोटे से वाक्य को क्या कहते हैं, हिकायत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारा सबक है किसान और बादशाह। पहले हम इसके खास अल्फाज देख लेते हैं। तन्हा, गुस्ताखी, कान भरना, रायगा और अखस। शेख सादी ने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैरो सियाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बुस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। हिकायात उन वाकयात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजुर्बे और अमल से अखज किए हों। हिकायात से लोग दानाई की बातें सीखते हैं। क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, कि जो शेख सादी थे उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने में गुजारा था और घूमने फिरने में, सैरो सियाहत में, यानी कि उन्होंने बहुत से मुल्कों की सैर की हुई थी। उनकी जो मशहूर किताबें हैं वो हैं गुलिस्तान और बोस्तान। अभी मैंने आपको समझाया कि हिकायत किसी ऐसे वाक्य को कहते हैं जिसके अंदर कोई इखलाकी सबक दिया गया हो, और वो ऐसे वाकयात होते हैं जो किसी भी अच्छी, मतलब पढ़ी लिखी इल्मी शख्सियत ने अपने इल्म, तजुर्बे और अमल से अखज किए हों। जैसे कि शेख सादी की जो हिकायात हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने अपने इल्म, तजुर्बे से उस चीज को सीखा है और फिर उसको हिकायत की शक्ल दे दी है। तो लोग इस हिकायात के जरिए क्या सीखते हैं, दानाई की बातें, यानी कि अकलमंदी की बातें सीखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, चलिए आगे चलते हैं। शेख सादी बुस्तान में फरमाते हैं, बुस्तान क्या, उनकी किताब, सही। शेख सादी बुस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था। शायद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तन तनहा बहुत कोशिश की, मगर सब रायगा गया। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कि एक दफा एक किसान एक जंगल से गुजर रहा था। अब क्या हुआ था कि वहां पर बारिश हो के चुकी थी, तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो पूरे जंगल में बहुत ज्यादा कीचड़ हो रही थी। अब जंगल से गुजरते हुए जो किसान का गधा था वो कीचड़ में फंस गया। अब कीचड़ ने अपने गधे को निकालने की बहुत अकेले, तन तनहा का मतलब होता है अकेले, अकेले उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरीके से उसका गधा कीचड़ में से निकल जाए। लेकिन होता अक्सर यही है कि जब हम किसी काम में फंस जाते हैं और वो काम नहीं हो पा रहा होता तो इंसान क्या करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता तो उसे गुस्सा आने लग जाता है। तो किसान ने भी यही किया कि उसे जो है रात के वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया। इस सारी कंडीशन के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आया और फिर उसने क्या किया कि वो सारी रात अपनी परेशानी की वजह से दूसरों को बुरा भला कहता रहा। होता है ना, जब हमारा कोई काम फंस जाता है तो हम कहते हैं वो ये हो गया, वो हो गया, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। तो किसान ने भी यही किया कि वो दूसरों को उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। उसकी जबान से ना दुश्मन बचा ना दोस्त और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था।
अब क्या हुआ, उसने हर एक को जब बुरा भला कहा तो उसने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा और ना ही बादशाह को छोड़ा, क्योंकि जो वो जंगल था वो बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था। होता यही है ना कि अगर हम अगर हमारे एरिया में कहीं बारिश हो जाती है तो फिर आपने देखा होगा सड़कों पर इतना गंद कचरा हो जाता है, कीचड़ फैल जाती है, तो जो ट्रैफिक होता है वो कितना ज्यादा मुतासर हो जाता है। अब क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो सफाई नहीं करवाई और सारा जो है वो हमारा मुश्किल हो गई है हमारा आना जाना। तो इसी तरीके से किसान ने भी जो बादशाह था उसको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इत्तेफाकन बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सबने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नजर बादशाह पर पड़ी, वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया है, अब उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक बोला, ऐ बादशाह, उस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए क्योंकि उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरा गुलाम बोला, ऐ बादशाह, उसको कैद खाने में डाल दिया जाए क्योंकि उसने ना सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके खानदान की बुराई भी की है। अब क्या हुआ कि जिस जंगल में किसान फंसा हुआ था उसी जंगल में इत्तेफाक से बादशाह अपने गुलामों के साथ आया हुआ था। अब जो बादशाह के गुलाम थे उन्होंने ये सुन लिया था कि एक आदमी है जिसका गधा यहाँ पर फंसा हुआ है और वो बादशाह को बहुत बुरा भला कह रहा है। तो बादशाह के गुलामों ने क्या किया कि बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए, मतलब कि उसको बातें बोलना शुरू कर दी। किस तरह की, कि आप या तो उस शख्स की गर्दन उड़ा दें क्योंकि उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आपको बुरा भला कहा है। दूसरे गुलाम ने कहा कि आप उसको कैद खाने में डाल दें क्योंकि उसने सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके खानदान वालों को भी बुरा भला कहा है। अब बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया, उसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम और इकराम से नवाजा और एक सफेद घोड़ा भी इनाम में दिया। सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। अब बादशाह ने क्या किया कि जब उसके गुलाम उसको बातें बता रहे थे और कान भर रहे थे उसके कि आप ऐसा करें आप वैसा करें, तो बादशाह ने जो है उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी बल्कि उसको किसान की हालत पर रहम आ गया कि बेचारा ये रात से यहाँ पर फंसा हुआ है और इतनी परेशानी की हालत में है। तो उसने क्या किया, किसान की बातों को नजरअंदाज कर दिया, माफ कर दिया, और गुस्सा तो उसे भी आ रहा था लेकिन उसने क्या किया कि किसान को माफ कर दिया और उसको बहुत इनाम भी दिया और एक सफेद घोड़ा भी दिया उसको इनाम में। इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है कि देखिए, बुराई का बदला बुराई से देना तो बहुत आसान है। अब चाहता तो यहाँ पर बादशाह क्या करता कि किसान की बातें सुन के उसको भी जो है वो जेल में डाल देता या उसका सर धड़ से अलग करवा देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसने उसकी बुराई का बदला भलाई से दिया और उसको इनाम और इकराम भी दिए और उसको एक सफेद घोड़ा भी इनाम में दिया। तो इस लेसन से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में यही करना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, हमें बुरी बातें बोलता है या कुछ भी ऐसा बोलता है जिससे हमारी दिल आजारी हो, तो हमें पलट कर उसके साथ वही बुरा सलूक नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उसकी बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलिए, अब आपका करने का काम होमवर्क क्या है कि आप सबसे पहले इस सबक का टाइटल पेज बनाएंगे, सरे वर्क बनाएंगे, ठीक है, फिर अगले सफ़े पर खुशखत्ती करेंगे एक पेज, और फिर उसके बाद अल्फाज मायने करेंगे, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मैं पढ़कर बता देती हूँ। अखस, सीखना, तन्हा, अकेला। रायगा, जाया। कान भरना, चुगली खाना, गुस्ताखी, बदतमीजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का बाकी काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।